यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कतारा स्क्वायर, और ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम। भाई यहाँ पे ये बड़ा स्टैंडर्ड एक दिन का पास मिला है 6 रियाल का। इनका इधर अंदर से मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हो। गाइस ये है इनका ये कतारा विलेज। यहाँ पे सारे शेख ही शेख बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर फुटबॉल का, यहाँ पे कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो फुटबॉल का भी क्रेज़ काफ़ी है यहाँ पर। और ये जो है इसका कतारा विलेज का जो है मेन गेट है, तो चलते हैं इसके अंदर। गाइस ये जो विलेज है ये वैसे तो इसको रेनोवेट वगैरह किया गया, पर काफ़ी टाइम पहले बनाया गया था। जो इनका कल्चर था ना, पुराना कल्चर था कतर का, उसी हिसाब से इसको अभी भी उसी तरीके से ही रखा गया है। उसमें तो कोई चेंज वगैरह नहीं गया, जैसे इसको वही है, इसको मेंटेनेंस करके। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पानी के वो बना रखे हैं। ये जो है इसलिए इसका भी रीज़न है यहाँ पर बनाने के लिए, क्योंकि जो जो पुराने टाइम में एसी वगैरह या कूलर वगैरह नहीं होता था, तो वो ये इसको कूलिंग सिस्टम के लिए ना यूज़ करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी हर जगह पे ये ऐसे ही बनाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये अभी भी आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही पुराने टाइम में भी ये इसी तरह का कूलिंग सिस्टम, जो भी इन्होंने समझ में, मेरे को भी नहीं आ रहा कि किस मतलब क्या कैसे इससे वो करते हैं ये कूलिंग। बट जो यहाँ के बताते हैं कि ये जो कूलिंग सिस्टम के लिए ही लगाया हुआ था। और गाइस जिस जो विलेज को जिन्होंने बनाया था उनका नाम है अल हमाद करके, बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली, मेरे को भी याद नहीं है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि किसने बनाया था। अभी तो यही है इसके अंदर पूरा इनका हिस्टोरिकल, इनका जो कल्चर के जो भी कपड़े वगैरह हैं, उनके शॉप्स वगैरह सारे यहाँ पे सब कुछ है। आप देख सकते हो जी इन्होंने कलर से कुछ इनकी पेंटिंग वगैरह ये बना रखी है। वैसे हमें थोड़े शाम के टाइम पे आना चाहिए था यहाँ पर, अभी लेट हो गए तो इतने लोग भी नहीं दिख रहे हैं। संडे है फिर भी इतने वो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे का जो है पानी है ना ये चल रहा है,
तो चलता हुआ पानी है वो आपको भी पता है कि हमेशा ठंडा रहता है, तो मे भी इसी वजह से ये जो इनका कूलिंग सिस्टम है वो जो भी है कुछ घर वगैरह ठंडे रखने के लिए ये लोग यूज़ करते होंगे। आप देख सकते हो भाई जी कितना इन्होंने अभी प्यारा बना रखा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है इसका, और इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ लिख रखा है उन्होंने। बीच साइड है अलगना सोसाइटी, उधर सामने आई थिंक मस्जिद होगी, तो अभी चलते हैं उस साइड और उस साइड से ही आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये रेस्टोरेंट वगैरह इन्होंने यहाँ पे आगे जो है वो भाई वो बीच आ गया है, और इधर वो आपने लास्ट वीडियो में देखा है जो तो इनकी डाउनटाउन सिटी है वो, गाइस जिन्होंने सामने सीढ़ियाँ वगैरह बना रखी है यहाँ पे वो है कुछ जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो वो लोग बैठ के देख सकते हैं, और ये सामने फाउंटेन भी काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने। जस्ट उधर फाउंटेन के उस साइड समुंदर है और यहाँ पे बीच भी है बिल्कुल पास में। तो गाइस अभी हम लोग इस कत्तारा विलेज से आ गए हैं बाहर इधर समुंदर की साइड, और इधर सामने हेलो इधर आप देख ही पा रहे हैं ये वो जो सिटी है डाउनटाउन, और ये सामने समुंदर है। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं वापस उधर मेट्रो की तरफ, जहाँ मेट्रो है तो इधर इन्होंने वो मार्केट भी बना रखी है, ये इसमें कॉफ़ी वगैरह उसके इस मार्केट में तो ऑलमोस्ट सभी दुकानें हैं फास्ट फूड की, और ये आप देख सकते हो पिजन टावर। इस स्पेशल इन्होंने कबूतर जो है उनके लिए ही बनाया है पिजन के लिए, ये वो इसके अंदर आके बैठ जाते थे क्योंकि तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना उस वजह से बैठते, अभी हालांकि अब भी बैठते हैं। तो गाइस इधर कटारा विलेज के इधर बाहर से घूम के और हम लोग इधर वापस मेट्रो स्टेशन के पास आ गए हैं, और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये इसके अंदर कुछ बच्चों बच्चों को खेलने के लिए है, और उधर जो है वो सामने मेट्रो स्टेशन है, इन्होंने कुछ एक रोबोट भी लगाया हुआ है काफ़ी बड़ा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ, सामने मेट्रो है मेट्रो से, और अभी जो देखा यही था इनका जो कतारा विलेज, और एक तो चीज़ थी वो यहाँ पर रह गई, एक तो कतारा मोस्क थी, एक जो पिजन टावर हो गया, एक गोल्डन मोस्क थी, तो ये दो तीन चीज़ थी यहाँ पे, वो दिन में ही देख सकते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया तो वो बंद हो गई थी इस वजह से।
तो अगर देखे तो जब भी रात के टाइम पे कोई इतना वो भी नहीं था, लोग वगैरह भी नहीं थे, कोई भीड़ भी नहीं थी, तो अगर सच बताऊँ तो हमें भी कोई इतना वो नहीं मज़ा आया कि हाँ भाई जैसे कि इन्होंने कह रखा कि इतना अच्छा हिस्टोरिक पैलेस है, वही था नॉर्मल, मतलब एक ही चीज़ थी यहाँ पे देखने को, यहाँ वही सेम घर से और वही। बाकी अगर दिन में देखेंगे कि रात का टाइम था कुछ इतना वो सब कुछ ओपन भी नहीं था, दिन में होगा और टूरिस्ट भी होगी तो मेरी शायद मज़ा आए। तो आपको आप बताना आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को रखते हैं अभी यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मे बी जब मैं दिन में आऊँ तो इस उन जो दिन में जो क्लिप है वो भी इसी वीडियो में डाल दूँ, या फिर तो उसकी एक दिन वाले की जो है अलग ही वीडियो बना दूँ उसका भी, मेरे को भी मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ। तो जो अभी इस वीडियो में है वो इसको रखते हैं अभी यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।